सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सूरज रॉकी और आप देख रहे हैं मेरा सफ़र। पिछले वीडियो में मैंने आपको साइट का काम दिखाया हुआ था, तो आज मैं दिखाता हूँ कि हम लोग रहते कहाँ पे हैं। ये देखिए, ये अभी मैं छत पे हूँ। तो ये पूरा स्कूल है, पहले स्कूल था, तो अभी लॉकडाउन की वजह से ये बंद चल रहा है। तो नीचे का सारा कमरा 12 कमरा है, तो हम लोग लिए हुए हैं रेंट पे, मतलब कंपनी की तरफ से। तो ये साहब, ये नीचे सारे लोग रहते हैं और यहाँ से छत का आप नज़ारा देख सकते हैं। ये थोड़ा आउटर में है, आप गोरखपुर आएंगे, गोरखपुर से एक जगह पड़ेगा बढ़लगंज, गोरखपुर आपका इस साइड पड़ेगा। गोरखपुर से आप बढ़लगंज जाएंगे तो बढ़लगंज से थोड़ा सा अंदर आएंगे 20 से 25 किलोमीटर, तो वहाँ एक सिकरीगंज वाला रोड मिलेगा। वहीं बीच में आपको उरुआ बाज़ार पड़ता है, वहीं पे हम लोग रहते हैं। तो ये हम लोग का है रूम, नीचे पूरा मिला हुआ है कंपनी की तरफ से। और अभी तो सुबह के टाइम हो रहे हैं 7:43, तो अभी हम लोग 8 बजे तक यहाँ से निकलेंगे। और रात को यहाँ पे बहुत भारी तूफान आया था, हाँ, लेकिन तूफान के बाद तो मौसम यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली गांव टाइप का एरिया है, मैं इधर ज़्यादा रहा नहीं हूँ, पहले गांव पे मैं रहता था, फिर बनारस में रहते रहते 15 साल हो गया होगा, और बहुत दिन के बाद मैं यहाँ पे गांव पे फिर से रहना स्टार्ट किया हूँ। अब देखिए, ये शेड बीच से टूट गया, इससे आपको पता चल सकता है कि कितना हैवी तूफान आया था रात में। ये देख रहे हैं, ये सब शेड नीचे गिर गई है। ये देख रहे हैं, साइड पे सब कुछ उथल पुथल हो चुका है, ये सारा मैं टिका हुआ था। बहुत बुरा तूफान आया था कल और बारिश भी बहुत तगड़े में हुई है। देख रहे हैं साइड का हाल, चलने लायक नहीं है। अभी चलते हैं कंटेनर के पास, हम लोग का ऑफिस जहाँ है, देखते हैं क्या हाल चाल है। और ये हमारा स्टील बाइंडिंग, स्टील कटिंग का काम चल रहा है सारा, ये सारे लेबर लोग लगे हुए हैं। और वो जो है नीले कलर का, ये मेरा इस कंटेनर है जिसमें सारा बाहर का मटेरियल आता है। और पीछे 2 कंटेनर और हैं, वो हम लोग का ऑफिस है।
तो फाइनली पहुंच गए हम अपने ऑफिस में। ये हमारा छोटा सा ऑफिस है और इस ऑफिस में ही हम लोग रहते हैं। ऐसे ही आपको दिखा दे रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये मतलब एक कंटेनर टाइप का है, कंटेनर में हम लोग का ऑफिस है। तो इसी में हम लोग रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं और बाहर सबसाइड का काम चल रहा है। बहुत बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा कचरा हो गया है, जो मड हो गई है बहुत सारी, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सब तो ठीक है यहाँ पे। तो जो दोस्त पहले कभी बाहर नहीं निकले हुए हैं काम करने के लिए, बाहर की लाइफ कैसे होती है, कैसा नज़ारा होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे गोरखपुर में, गोरखपुर के पहले एक बड़हलगंज पड़ता है, बड़हलगंज से एक सिकरीगंज की तरफ रास्ता जाता है, बीच में पड़ता है उरुआ बाजार मार्केट। तो वहीं पे हम लोग का रूम है, वहीं पे हम लोग रहते हैं, कंपनी का रूम मिला हुआ है। फिर वहाँ से 5 किलोमीटर चीनी मिल है, ये चीनी मिल जो आप देख रहे हैं, ये चीनी मिल है, इसी के बगल में हम लोग का पूरा कंस्ट्रक्शन का सारा काम चल रहा है सीएनजी गैस प्लांट का। तो कल तो रात को बहुत अच्छा खासा तूफान आया था, तो अभी सुबह का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ, वो पीछे आप देख सकते, वो पीछे हम लोग का साइट चल रहा है पूरा काम, और ये पीछे ये जो ये सब एरिया ये आउटर है। तो यहाँ पे जो खुदाई से जितनी सारी मिट्टियाँ निकली हैं, ये सारा इधर, ये देखिए ये सारा मिट्टी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सब जेसीबी से यहाँ पे आया हुआ है। चलते हैं अपने प्लांट की तरफ। ये सारा एरिया जो था ये पूरा झाड़ियों से ढका हुआ था, जितनी मिट्टी देख रहे हैं ना, ये सारा एरिया झाड़ियों से ढका हुआ था। वहाँ आगे पे जो झाड़ी है, वो सारा जो झाड़ी है वो ऐसा झाड़ी पूरा इस तरफ झाड़ी था, और मिट्टी का तो नामो निशान नहीं, आप नीचे कुछ देख भी नहीं सकते थे वहाँ पे, इतने विषैले सांप हैं यहाँ पे। तो आपको मैं वीडियो में एक छोटा सा क्लिप दे दूंगा लास्ट में, आप देखिएगा, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है सांप का। और एक बार तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, वहाँ पे जो कोने पे आप देख रहे हैं वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक सेकंड, ये देख रहे हैं वहाँ जो वो किनारे थोड़ा सा पीपल का पेड़ है उसी के नीचे था। यहाँ पे बहुत सारे सांप है, बहुत सांप है, पहुँच गए। यहाँ सारा स्टोर का सारा सामान रखा हुआ है, जो भी यूज होता है हमारे साइट पे, जो यूटिलाइज होता है, जो भी मटेरियल होता है, ये सारा सामान कंटेनर में रहता है, और मैं यहाँ पे बैठ के वो सबको इशू करता हूँ। और ये कुछ घोटले भरे मुकुली देख, सही मेरे घोटले भरे देखो, था ये घोटा है, देखो।